प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा जनसेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। मंगलवार को महमूदाबाद में भाजपा पिछड़ा वर्ग द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर और चश्मा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा अचिन मेहरोत्रा सहित तमाम पदाधिकारियों ने गरीबों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा शिव कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राम कुमार वर्मा, पूर्व प्रत्याशी आशा मौर्य, संतोष सिंह, चंद्रभूषण शुक्ला, रमाशंकर वर्मा, संजय वर्मा, अजय वर्मा, विजय बारी, मृगांक वर्मा, सुरेश वर्मा, अतुल वर्मा आदि मौजूद रहे। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक सिंह द्वारा 70 मरीजों का इलाज किया गया। आई इंडिया के लिए महमूदाबाद से राजकुमार जैन की रिपोर्ट। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर ये जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम है, थोड़ा विस्तार से बताएं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम सबके गौरव, विश्व में देश के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी जन सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सेवा सप्ताह के रूप में पार्टी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसके तहत आप सबने मीडिया के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि कल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था मुख्यालय पर, और आज उसी के तहत महमूदाबाद क्षेत्र में यहाँ पर 70 गरीब लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण का आयोजन किया गया है। और इस तरह कल हम लोग 70 स्थानों पर, मुख्यालयों पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। आगामी 17 तारीख को, जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस का दिन है, उस दिन हम लोग 70 दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण करने का काम करेंगे और अस्पतालों एवं जो हमारे कुलीन बस्तियां हैं उन पर फल वितरण करके उनके दीर्घायु की कामना करेंगे। उसी के तहत आज महमूदाबाद में यहाँ पर 70 से अधिक लोगों को चश्मा वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे पिछले मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि ये कार्यक्रम पिछला मोर्चे के द्वारा ऑर्गेनाइज करना था, पिछले मोर्चे के द्वारा इसको महमूदाबाद मुख्यालय पर किया जा रहा है। थैंक यू। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।